आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम उत्तर प्रदेश। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। खबर रायबरेली से है, जहां ईद को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और जिले भर में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात की गई है। इस दौरान पुलिस कप्तान श्लोक कुमार ने स्वराज नगर कॉलोनी और जहानाबाद समेत ईदगाह में फ्लैग मार्च करके यहाँ धर्मगुरुओं और इंतजामिया कमेटी से बातचीत की है। खबर हमीरपुर से है, जहां बिजली कटौती से भीषण गर्मी और तपिश की वजह से लोग अलकान हो रहे हैं और पिछले कई दिनों से हो रही बिजली की अघोषित कटौती से आटा चक्कियों और तेल स्पेलर के पहिए जाम है, जिसके चलते आम लोगों का आटा और तेल उन्हें समय से नहीं मिल पा रहा है और ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तेल निकालते हैं जो स्पेलर होती है और लाइट की वजह से खाना चल नहीं पाया। जब मैं नहीं कहा, सब बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबको दिक्कत है और इस समय शादी विवाह का सीजन चल रहा है, जिसमें जाना बहुत कम है। यहाँ से हमें फायदा ये होता था, मच्छर नहीं काट, कोई स्थिति मच्छर होने से हम फायदा ये होता था कि मच्छर नहीं काटते, पंखा वगैरह कुछ व्यवस्था हो जाती थी और सर 8-10 घंटे लाइट मिलना कोई मतलब नहीं होता है। भाई साहब देखिए, सुमेरपुर में इस समय लाइट की बहुत ज़्यादा परेशानी है, जबकि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 24 घंटे लाइट मिलेगी, इस समय 8-10 घंटे लाइट मिल रही है, वो भी इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी को देखते हुए 8 घंटे वो भी पूर्णता नहीं मिल रही, कहीं 2 घंटे कहीं 4 घंटे, इस टाइप से यहाँ का सुमेरपुर का जितना भी व्यापार है टोटल ध्वस्त हो चुका है और बंद हो चुका है एक तरह का मान लीजिए, और लाइट से ही सब कुछ है। कुटूर भी जो उद्योग व्यापार है पूरा बंद हो चुका है। ये दिक्कत है कि लाइट नहीं समय से मिल पा रही है और जो कोई सामान भी पीस के नहीं दे पा रहे हैं कस्टमर को, कस्टमर परेशान है। लाइट 1 घंटे के लिए आती है, 5 घंटे गोल हो जाती है, रात में भी कटौती हो जाती है, यही एक परेशानियाँ हैं। विद्यालय में जाइए तो छोटे छोटे बच्चे गर्मी में बेहाल, मासूम बच्चे तड़प रहे हैं, विद्यालयों में उतनी सुविधा नहीं, इन्वर्टर और जनरेटर की तमाम चीज़ें हैं और हम लोगों ने शासन स्तर पर कई बार लेटर लिखे, कई बार मांग की, प्रदर्शन भी किए, लेकिन अभी तक लाइट व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई लगभग सुधार नहीं आ रहा। हाँ, हालांकि 2 दिनों से जरूर इस कस्बे में लाइट पर्याप्त ठीक ठाक मिल रही है और लाइट न मिलने के कारण जल आपूर्ति भी पूरी नहीं हो पा रही, कहीं ना कहीं पेयजल की समस्या भी। 2 साल से कोरोना काल के चलते लोग ईद उल फितर की नमाज नहीं पढ़ पा रहे थे, पर इस बार ईद उल फितर की नमाज को लेकर सुबह से ही मुस्लिम समुदाय की भीड़ देखने को मिली और लोगों ने नमाज अदा करके मुल्क के लिए अमन और चैन की दुआ मांगी। वहीं इस मौके पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान और उसका फजल इनाम है कि हमने 2 साल के बाद आज बड़ी मसरत और शादमानी और खुशी के साथ ईद उल फितर की नमाज जो है बाकायदा अमन और सुकून के साथ अदा की। ये रब तबारक व तआला का बड़ा एहसान और उसका फजल इनाम है कि उसने हमें ये तौफीक अता फरमाई और आज चूँकि 2 साल से लॉकडाउन था, लोग अच्छे से इज्तिमाई तौर पर ईदगाह में जाकर ईद नमाज अदा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस साल जो है हमने इज्तिमाई तौर पर ईदगाह में ईद की नमाज अदा की। सारे लोगों के चेहरों पर खुशियों की लहरें दौड़ रही हैं, आज तमाम ही हजरात बड़े खुश नज़र आ रहे हैं और सबके चेहरों पर शादमानी का आसार नज़र आ रहे हैं। बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं और बहुत ही अमन अमान के साथ नमाज मुकम्मल की है और प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग है और प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। ये अल्लाह का बेपनाह शुक्र एहसान है कि आज उसने हम सबको ईद सईद की खुशियाँ अदा फरमाई और हम सब लोग अभी ईद की नमाज अदा करके ईदगाह से बाहर निकल रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं और इस नमाज ईद में
तमाम लोगों ने अपने अपने गुनाहों से रब की बारगाह हमें मगफरत तलब की है। उसके अलावा इसके साथ साथ मुल्क में अमन व शांति की भी दुआ की गई है, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक की भी दुआ की गई है। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान को तमाम बुरी नज़रों से बचा के रखे। खबर कन्नौज से है, जहां तिरवा तहसील क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र शहर कस्बे में ईदगाह सहित कई स्थानों पर नमाज अदा करने की व्यवस्था की गई थी। वहीं इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग नए कपड़े और टोपियां पहनकर नमाज के लिए इकट्ठा होने लगे और कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखा। इस मौके पर SDM गरिमा सिंह और CO दीपक दुबे समेत भारी पुलिस बल मस्जिदों के आसपास मौजूद रहे। रायबरेली में ईद की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। इस दौरान शहर की ईदगाह में नमाजियों की जबरदस्त भीड़ रही। यहां नमाज के बाद मुल्क में अमन और चैन की दुआ मांगी गई, साथ ही कोरोना महामारी से जल्द छुटकारा मिलने की भी दुआ की गई। वहीं इस मौके पर जिला प्रशासन ने नमाज के दौरान कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए, जबकि ईद की नमाज अदा करने पहुंचे रायबरेली के जिला जज अब्दुल शाहिद ने सभी को ईद की मुबारकबाद देते हुए अमनो अमान की दुआ की। खबर एटा जनपद से है, जहां आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह ने आगामी त्योहारों अक्षय तृतीया, भगवान परशुराम जयंती और ईद के मद्देनजर नगर के प्रमुख बाजारों में भारी पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया और लोगों को आगामी त्योहारों को एक साथ मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए कहा गया। इस दौरान SSP ने दुकानदारों की समस्याओं को सुना और CCTV कैमरा लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। ईद परशुराम जयंती अक्षय तृतीया के पर्व के दृष्टिगत भीड़ भाड़ वाले बाजार वाली एरिया में, जहां पर महिलाएं बच्चे काफ़ी संख्या में इस समय बाजार में खरीदारी इत्यादि कर रहे हैं, उनमें सुरक्षा की भावना जागृत करने के उद्देश्य से और कल की त्यौहार के दृष्टिगत इस प्रकार के पैदल रूट मार्च पूरे जनपद में जगह जगह कस्बाई इलाकों में किए जा रहे हैं और पूर्ण रूप से सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। रामनगरी अयोध्या में कड़ी सुरक्षा के बीच जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण तरीके से 156 ईदगाह और 153 मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कराई। हालांकि शहर के सिविल लाइन ईदगाह में जगह कम होने के कारण ईदगाह के बाहर मुख्य सड़कों पर कई नमाजियों ने ईद की नमाज अदा की, जिसको सिविल लाइन ईदगाह में टाट शाह मस्जिद के पेश इमाम मौला नाश मसूल कादरी द्वारा अदा कराई गई। वहीं इस मौके पर अयोध्या के DM नीतीश कुमार, SSP शैलेश पांडे, ईद पर शुराम जयंती पर अक्षय तृतीया की जनपदवासियों को बधाई दी। ईद सईद का मुबारक दिन है और हमने शहर फैजाबाद अयोध्या के मुसलमानों ने और पूरे मुल्क के मुसलमानों ने बल्कि आलम इस्लाम ने ईद की नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ किया। अय परवरदिगार आलम, ज़मीन का तो खालिक व मालिक है, इस ज़मीन पर अपने बंदों को अमन व सुकून अता फरमा, चैन अता फरमा, सलामती अता फरमा। हमारा वतन हिंदुस्तान जो हमेशा से एक जमहूरी निज़ाम रखता है, हमेशा एक अमन व शांति के एतबार से जमहूरी निज़ाम रखता है और यहाँ पर मुख्तलिफ रंग व नस्ल के लोग रहते बसते हैं, सबके लिए चैन व सुकून, इज़्ज़त व अज़मत का सामान पैदा फरमा, हमने दुआ किया है। और हमारे शहर फैज़ाबाद अयोध्या के सारे मुसलमानों ने यही दुआ किया है, हमारा शहर, हमारा मुल्क, हमारा वतन सलामत रहे, आबाद रहे, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब कायम दायम रहे। जनपद वासियों को तीन आज धार्मिक आयोजन है, त्यौहार है, ईद, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती, उनकी सभी को मैं ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। गंगा जमनी तहजीब का एक बेहतर उदाहरण देते हुए अयोध्या वासी तीनों त्यौहारों को मना रहे हैं, पुख्ता पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था के बीच में इन त्यौहारों को सकुशल संपन्न कराया जा रहा है। कई जगह पे ईद की नमाज हो गई है और 11 बजे तक सभी जगह ये नमाज पूरी कर ली जाएगी।
उसके अलावा जैसे मैंने बताया अक्षय तृतीया का त्यौहार है, काफ़ी संख्या में लोग इसमें खरीदारी करते हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था बाज़ारों में, खास करके महिला सुरक्षा को देखते हुए स्पेशल डिप्लॉयमेंट, हमारी महिला पुलिसकर्मियों की भी व्यापक डिप्लॉयमेंट की गई। तो सभी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए एक व्यापक सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ जन सहयोग के माध्यम से लोगों का सहयोग लेके इन त्यौहारों को हम लोग सफल। फरुखाबाद में बड़ी धूमधाम से ईद का त्योहार मनाया गया। वहीं सरकार की गाइडलाइंस के तहत ईदगाह के बाहर और अंदर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात थे, साथ ही डीएम और एएसपी समेत कई बड़े अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं जिलाधिकारी ने सभी जनपदवासियों से शांति के साथ ईद का त्योहार मनाने की अपील की। हम संदेश ये देना चाहते हैं कि जितने लोग हैं सब आपस में मिल मोहब्बत भाईचारा और एक दूसरे के हमदर्दी, एक दूसरे के खुशी में गम में शरीक रहें और इस देश की तरक्की के लिए हम जो भी कर सकते हों वो करते रहें। बहुत अच्छे से ये संपन्न हुई है, बहुत सुरक्षा के अच्छे इंतजाम थे और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। पहले तो समस्त फरुखाबाद वासियों को देशवासियों ईद की अच्छे सुविधा की और परशुराम जयंती की शुभकामनाएं। और आज जनपद फरुखाबाद के अंदर जो अलविदा की नमाज थी वो सकुशल संपन्न की थी और सभी जगह पूरे जनपद में सकुशल संपन्न हो चुकी है। सभी जगह सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं और कहीं कोई इशू नहीं और सभी जगह जो भाईचारे का। मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए ईद का त्यौहार मुख्य त्योहारों में से एक होता है। रमजान के पाक महीने के आखिरी दिन जब चांद का दीदार होता है तो उसके अगले दिन ईद मनाई जाती है। इसे मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। वहीं ईद को रमजान महीने के अंत का प्रतीक भी माना जाता है। मुस्लिम समुदाय के लोग इस दिन गरीबों को दान देना, किसी भूखे को खाना खिलाने जैसे कई कार्य करते हैं। वहीं अल्लाह की इबादत कर नमाज भी पढ़ते हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान प्रदेश के कई जनपदों में बेहद शांतिपूर्ण तरीके से ईद की नमाज अदा की गई। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद सभी जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पे शांतिपूर्ण तरीके से ईद की नमाज भी अदा करी गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी देखने को मिले। पुलिस प्रशासन ने पैदल मार्च भी किया। सबसे पहले तो समस्त जनपदवादियों वासियों को ईद की शुभकामनाएं। आपने देखा कि पुलिस और प्रशासन के पूरे इंतजाम यहाँ पर थे और बहुत खुशनुमा माहौल में ईद की नमाज संपन्न हुई है और बड़ी संख्या में लोगों ने ईद की नमाज ईदगाह पर अदा की है और बाकी अब अलग अलग मस्जिदों में आधे आधे घंटे के बक्वे से ईद की नमाज होगी। वहाँ भी पूरे इंतजाम हैं, पूरे जनपद में इंतजाम किए गए हैं और बहुत पूर्ण सुरक्षा के साथ और शांति के साथ ईद की नमाज जो है वो अदा करेंगे। समस्त जनपद वासियों की ईद की शुभकामनाएं, ईद मुबारक और व्यवस्थाएं जो यहाँ होती है पहले से की गई, सब लोग हर्षोल्लास से अपना ईद का त्यौहार मना रहे हैं, सबको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग तो तैयारियों में लगे हुए थे कई दिन से, नगर निगम की पूरी टीम लगी हुई थी और बहुत अच्छे से नमाज अभी अलीगढ़ में अदा हो गई। यहाँ पर हम लोग खड़े हैं ईदगाह के सामने, तो बेहतर रहा। अब सब लोग धीरे धीरे अपने घर जा रहे हैं, यहाँ हो भी गया, नमाज हमारा पूरा हो गया। ये देखिए जो एरिया है ना शाहजमाल का, एक तरफ आप देख रहे हैं कि पुराना ईदगाह, नया ईदगाह और उसके बगल में इस शहर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान, और ये जो पूरा एरिया है वो मुस्लिम अनुयायियों का ही है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं हुई। ट्रेडिशनली जो चीज़ें हैं धीरे धीरे, लेकिन अपील आपने देखा होगा कि हमारे मुफ्ती साहब ने परसों भी कल भी अखबार के माध्यम से और भी तरीके से उन्होंने दिया, सभी लोगों ने छापा भी कि सभी लोग कम से कम बाहर निकलें, अपने अपने मस्जिदों में सभी लोग नमाज़ पढ़ें, और इसको लोगों ने माना भी है और आपने देखा होगा कि काफ़ी पहले बरसों की तुलना में लोग अपने मस्जिदों में पढ़ें और बाहर कम आए। ईद का जो पर्व है वो सबसे बड़ा है, सभी लोगों को मेरी और टीम सर की तरफ से ईद की शुभकामनाएँ, अच्छी तरह से त्यौहार मनाएं। इसमें आज जो सुरक्षा व्यवस्था जो शासन की गाइडलाइंस थी
कि कोई भी यातायात बाधित ना हो, कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका उल्लंघन ना हो, उसको देखते हुए सभी लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा है। सभी धर्मगुरुओं से लगातार बातचीत हमारी टीम ने की, पुलिस टीम, प्रशासन टीम ने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी साफ सुथरी व्यवस्था, पानी बिजली सभी व्यवस्था जो है आज की गई है, और सभी लोगों का अच्छा सहयोग मिला है, जिसकी वजह से जो संवाद स्थापित किया है उसकी वजह से बहुत अच्छी तरह से मनाई जा रही है। अब नमाज अदा हो, देखिए एग्जैक्ट क्वान्टिटी तो नहीं बता सकते, वो तो इतना है कि जामा मस्जिद पूरी भर चुकी थी और ईदगाह भी पूरी भर चुकी थी, ईदगाह के मैदान तक लोग नमाज अदा करी है लोगों ने। अब कैपेसिटी कितनी है वो अभी नहीं मालूम है, लेकिन यह है कि ज़्यादातर 70% लोगों ने, जो शहर आगरा के लोग हैं, इन दो जगह नमाज पढ़ी। तब्दीलियों का यह है कि पहले रोडों पर नमाज हुआ करती थी, और जबकि अगर शरीयत और कुरान के हिसाब से भी देखें तो रोड पे नमाज जायज़ नहीं है। इस बार जो नमाज अदा की गई है उस नमाज के लिए आगरा की अवाम, आगरा की मुस्लिम अवाम बहुत बधाई की पात्र है। आगरा कप्तान, पुलिस कप्तान साहब, आगरा डीएम साहब, जिनकी सरपरस्ती के अंदर ये पूरे शहर के अंदर नमाज हुई है, वो सब लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। और आगरा के अंदर जो मुस्लिम समाज ने इंसानियत का जो पैगाम दिया है इस बार, वो काबिले तारीफ़ है, क्योंकि मस्जिदों से लाउड स्पीकर की आवाज़ें कम करी गई हैं, लाउड स्पीकर हटाए गए हैं, वो किसी ने जान के नहीं हटाए, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है इसलिए हटे। उसके बाद भी मुस्लिम अवाम ने कहीं कोई विरोध, कोई प्रदर्शन नहीं किया, इसलिए मुस्लिम अवाम ने दिखा दिया आगरा सुलेपुर की नगरी है और वो जो है हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना के रखने में विश्वास रखती है। ये खालिस जज्बाती मामला है, ये भावनाओं का मामला है। 2 साल के बाद जो यहाँ लोग आया करते थे, आज वो यहाँ पे आए। महाराज ये है और अल्लाह का शुक्र है, तो उन लोगों को जो यहाँ पे आए उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, और उन लोगों को भी जो हमें नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर आपस में भाईचारगी इत्याद मोहब्बत के साथ रहना है, यहाँ पर लड़ झगड़ कर नहीं रहना है। वो भी हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं, लिहाजा मोहब्बत का इसका पैगाम है ही है कि प्यार मोहब्बत आपस में आइए। अब ये 2 साल बदल हुई है, ये हमारी तकलीफ है, लेकिन मौका मिला है और अल्लाह से उम्मीद है कि आइंदा भी ऐसा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक लगातार जिला अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन अमेठी के जगदीशपुर सीएचसी से सामने आए वीडियो से ये साफ जाहिर हो गया है कि आखिर किस तरह से सरकार के 100 दिनों के एजेंडे पर पानी फेरा जा रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह एक बंदर ग्लूकोज की बोतल लेकर बाहर आता है और उसे पीता हुआ नजर आ रहा है। इस ग्लूकोज से बंदर कितना स्वस्थ हुआ इसे तो शायद ही कोई बता पाए, लेकिन ये तय जरूर हो गया है कि अमेठी का सीएचसी बेहद गंभीर है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, बंदर एक ग्लूकोज की बोतल ले आता है, उसे कोई नहीं रोक पाता है, उसके बाद वो उसे पी रहा है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता वीरेन तिवारी जुड़ चुके हैं अमेठी से। वीरेन, जो ये पूरा मामला क्या बताया जा रहा है, जो ये वीडियो वायरल हुआ है, इसके ऊपर क्या किसी की प्रतिक्रिया सामने आई है? जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि जगदीशपुर सीएचसी की अधीक्षक का एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने निकल के आ रही है, जिसमें एक बंदर ग्लूकोज की बोतल पीते हुए नजर आ रहा है। और वही कहीं ना कहीं इसमें अधीक्षक से जब बात करने की कोशिश की गई तो उनका फोन नहीं लगा और इस पे जो भी अधिकारी हैं वो बात करने से कतरा रहे हैं। जी वीरेन, सीएससी में क्या इसी तरह से जानवर देखने को मिलते हैं? क्या वहाँ पे आवारा पशु भी आ जाते हैं परिसर में? और अगर बात करी जाए सफाई की, तो क्या सफाई देखने को मिलती है? जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, जगदीशपुर सीएससी ऐसा सीएससी है कि जो एक वीआईपी उसमें आता है और कहीं ना कहीं उसमें जो मरीज है वो अधिकतर मरीज उसमें रहते हैं। और सफाई की बात की जाए जैसा आपने कहा, तो उसमें आवारा पशु आ जाते हैं और वहाँ पे गंदगी का अंबार लगा रहता है। कहीं ना कहीं इसमें अधीक्षक जो है वो अधीक्षक की भारी लापरवाही सामने निकल के देखी जाती है और कहीं ना कहीं इसमें भारी लापरवाही उनकी देखी नजर आई। जिस तरह से डिप्टी सीएम औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं, तो क्या अधिकारियों को इस बात का भी डर नहीं है कि अब सफाई कर लेनी चाहिए, व्यवस्था को ठीक कर लेना चाहिए सीएचसी की?
जी मैं आपको बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जगह जगह छापेमारी कर रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं जगदीशपुर सीएससी के अधीक्षक के अंदर कहीं डर नाम की चीज नहीं है और वो एकदम लापरवाह होते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता वीरेंद्र तिवारी जुड़े थे अमेठी से। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।